न्यू चैनल माय व्लॉगिंग चैनल विच इज माय एक्चुअली ओल्ड चैनल बिकॉज देयर इज नो कंटेंट ऑन इट सो पोस्टिंग दिस चैनल मेरा मतलब वीडियो चैनल पोस्टिंग दिस चैनल ये जो ड्रॉअर है इसमें 6 कच्चे हैं ये जो ड्रॉअर है इसमें 6 कुछ नहीं मस्ती मजाक साइड में रखते हैं तुम लोग ने वीडियो के स्टार्ट में देखा कैसे वो स्पाइडरमैन उल्लासनगर आया था। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ACV आशीष चंचलानी वाइंस के एक वीडियो पे जिसका टाइटल है आई अटेंडेड स्पाइडरमैन नो वे होम प्रीमियर। अरे बाप रे आशीष भाई, आप कितना प्रीमियर जाओगे यार? इतना प्रीमियर जाके क्या करोगे यार? कुछ चांस हमें भी दो यार, हम लोग भी जाएं। इतना प्रीमियर जाके क्या करोगे? मजाक कर रही हूँ, जो रूसो और उनके भाई एक है उनसे मिलने का मौका कौन गवाएगा यार? टॉम होलैंड एंड ऑल दैट स्टार्स, जितने सारे स्टार है हॉलीवुड के, और लॉस एंजलिस जाके भाई को कितना मजा आता होगा यार। मैं तो ये सोच के मुझे रोना आ जाता है, इनको इतना मजा आता है, हमें क्यों नहीं आना यार? हमारी लाइफ ऐसी जा रही है। तो जो भी आए तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। लास्ट में वीडियो कैसा लगा ये जानना हो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंजॉय करें खाते पीते। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। चैनल के सारे वीडियो से अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके मेरी सारी वीडियोस से। तो चलिए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स रोल इट आउट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाह स्पाइडरमैन आ रहा है ऑटो में, क्या बात है। अरे भाई तू इधर क्या कर रहा है? इधर कैसे पहुंचा? क्या स्पाइडरमैन तो इधर ही आ गया। ACV प्रेजेंट स्पाइडरमैन कांट गो होम। मैंने ज्यादा पैसे तो नहीं लिए ना? नहीं ऐसा स्पाइडरमैन समझ के ज्यादा भाड़ा लिया हो तो मैं मारू उसको जाके। नहीं 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 चल ठीक है, नहीं तेरा नाम खराब होगा, तू फ्रेंडली नेबरहुड है ना, बाहर बहुत गर्मी है ना, ये थोड़ा बादाम का। बाहर बहुत गर्मी है तो बादाम का। ओहो अरे आराम से भाई, लात वात मत मार, बच्चों का घर है, कोई बच्चे को लग गया तो उड़ जाएगा। ये देख तेरे लिए आयरन मैन का चश्मा लाओ, एडिट तो रहा नहीं तेरे पास, तो आयरन मैन का रख ठीक है, ये आयरन मैन का रख। अरे यार चश्मा बैठ क्यों नहीं रहा है, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? चश्मा बैठ क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ सॉरी सॉरी तेरे कान ही नहीं कान तो अंतरे। चल आजा थोड़ा आराम करते, चल ब्लैंकेट ब्लैंकेट। ओह गॉड क्या कॉमेडी है। टेंशन मत कर, आई नो अभी जिंदगी में हालत खराब है लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ ना, कुछ भी मदद चाहिए मेरे को बोलना। अभी आराम कर, मम्मी को बोला, मम्मी बोल रही है ऐसे सो के बिना सोए मत जाना ठीक है, सो के जाना बिना सोए मत जाना। कोई टेंशन नहीं है ठीक है, उल्लासनगर में क्या अपनी अच्छी पहचान। अरे बच्चे आए कर क्या हुआ? अच्छा इलेक्ट्रो, अरे इलेक्ट्रो का टेंशन मत कर, इलेक्ट्रो उल्लासनगर नहीं आ सकता, पूछ क्यों? अबे जब उल्लासनगर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो इलेक्ट्रो कहाँ से आएगा? तो टेंशन मत कर रे। स्पाइडरमैन हाय भगवान, स्कूटी में घूम रहा है पूरे रास्ते। सैंडमैन फर्स्ट पार्ट में आयरन मैन की वजह से वल्चर विलन निकला, सेकंड पार्ट में आयरन मैन की वजह से फिर से मिस्टीरियो विलन निकला, थर्ड पार्ट में आयरन मैन है भी नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से पुराने स्पाइडरमैन के विलन तेरी जिंदगी में आ गए। कसम से कह रहा हूँ ये जो एवेंजर्स है ना तेरी जिंदगी में शनि बन के बैठे है। रो मत तेरे भाई, हाथ दिखा, तू हाथ दिखा, ये देख हाथ की लकीरें कितनी टेढ़ी है, ये देख शनि इधर ही है, इधर ही बैठे। अरे हाँ सॉरी जाले, सॉरी सॉरी सॉरी। स्पाइडरमैन एक बात बता कि तेरी सारी पिक्चरों में तेरी गर्लफ्रेंड्स गिरती क्यों रहती है? अरे शर्मा क्या रहा है, प्यार में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्डिंग से क्यों गिरती रहती है? जाली अच्छे से नहीं अटकती है। अच्छा घर जाने का तेरे को, कैसे भेजू तेरे को घर,
पानी से जाएगा हवा से? यार पानी से गया तो ऑक्टोपस पकड़ेगा, हवा से गया तो वल्चर पकड़ेगा। एक काम कर, पानी से जाना। अरे कुछ नहीं करेगा ऑक्टोपस। क्या? अरे ये क्या है? अच्छा हाँ, लटकेगा किधर? पानी पानी हर जगह। तो एक काम करना, यहाँ से ऑटो पकड़ते ठीक है, उसके बाद तू उला स्टेशन जा, 3:10 का गाड़ी है घाटकोपर का, घाटकोपर स्टेशन पे ट्रेन से उतरना, ट्रेन को रोकना नहीं भाई, ये इंडिया है, तू स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन, डोंट पुल योर रेक्स। फिर वहां से मेट्रो पकड़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना, जो भी प्लेन उड़ रहा है ना वहां से जाके चिपक जाना, ठीक है, घर पहुंच जाएगा। और अगर कनेक्टिंग फ्लाइट हुई ना तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे ऐसा जंप मार देना, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल भाई स्पाइडरमैन, जो शहर आता है हम लोग उसका ऐसे ही विदा करते हैं। वैसे तिलक भी लगा था लेकिन तेरा सूट ऑलरेडी लाल है, दिखेगा क्या? अच्छा मम्मी ने खाना ना पैक किया है, कोकिया वोकिया डाली है, जब भी भूख लगे वेब से ऐसा खाना निकाल लेना, ठीक है। चल ध्यान दे, मैं आऊंगा अमेरिका पे, मिलूंगा, ठीक है। अच्छा सुन, अमेरिका पे ध्यान रख, छे छे वेलन है, अपनी चाची है यार, मेरी चाची, उसका ध्यान रखना है कि नहीं, ठीक है, समझ गया ना? ट्रेन से उतरना, ट्रेन रोकना नहीं, उला स्टेशन छोड़ के आना इनको, ठीक है। चल स्पाइडरमैन बाय बाय। टोटो वाले कितना खुश हो रहा है, एंड्रयू को हाय बोल रहा मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेलकम माय न्यू चैनल, माय व्लॉगिंग चैनल, व्हिच इज माय एक्चुअली ओल्ड चैनल, बिकॉज देयर इज नो कंटेंट ऑन इट, सो पोस्टिंग दिस चैनल, मेरा मतलब वीडियो, तो मैं भी आपको चैनल पोस्टिंग दिस चैनल, इसमें 6 कच्चे है, ये जो ड्रॉ इसमें 6 को कुछ नहीं, कुछ नहीं। आ जा गाइस, अभी मस्ती मजाक साइड में रखते हैं। तुम लोग ने वीडियो के स्टार्ट में देखा कैसे वो स्पाइडरमैन उल्लासनगर आया था, तो मैंने भाई को प्रॉमिस किया कि देखो अभी तू उल्लासनगर आया तो मैं भी अमेरिका आऊंगा, तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ लॉस एंजलिस फॉर द प्रीमियर ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम, एंड मेरे रूम में अपना एक मल्टीवर्स खुल गया है, इतना सामान। ये मेरा दूसरा प्रीमियर है, पहला प्रीमियर था एवेंजर्स एंडगेम, दूसरा स्पाइडरमैन नो वे होम। आई होप सो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोविड का प्रॉब्लम हो गया तो मेरे लिए नो वे होम हो जाएगा रास्ता। आई होप थिंग्स आर पॉजिटिव। ये देखो भाई मेरे रूम में कौन है, ये भी बोल रही है मेरे को भी लेके चलो, मेरे को भी स्पाइडरमैन देखनी है, मैं कुत्ता मैन देखेगी है ना, कुत्ता मैन चाहिए ना जाती के लिए। और जशू एक्साइटेड में जा रहा हूँ यार, बहुत दुख हो रहा है मेरे को यार। दुख हो रहा है क्यों? तू पहले देखने वाला है, हमको भी देखनी थी सोनी वालों। अभी मेरे को फटाफट पैकिंग करके निकलना है क्योंकि 4:30 की फ्लाइट है, तो मैं पैकिंग करता हूँ क्योंकि अगर मेरी माँ अंदर घुस गई ना, मेरी माँ ये रूम देख के पक्का ही डायलॉग मारेगी कि क्या है अशे, क्या है इसे चंचलानी, कूड़ा घर क्यों नहीं घोषित कर देते, तेरी माँ चली जाएगी फिर देखो पता चलेगा, कच्चे साफ करो, पोटियां निकालो। चलो मैं पैकिंग करता हूँ, मेरी माँ सुन लेगी फिर बोलेगी वापस मेरी एक्टिंग करके मेरा नाम बदनाम करता है। ये देखो कितने, अरे बाप रे, 3 बैग इसलिए क्योंकि एक में टोबी मैगवायर का कॉस्ट्यूम है, एक में एंड्रयू गारफील्ड का कॉस्ट्यूम है, और एक छोटा सा टॉम हॉलैंड के लिए बच्चा है ना, अभी टॉम होलैंड के लिए बच्चा है वो भी। कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ये स्पाइडरमैन के डायलॉग चल रहे हैं भाई। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। 3 स्पाइडरमैन दिखे हमको नहीं बताना, हमको मूवी देखनी है। ठीक है ठीक है, पक्का तो फोन करके पहले पहले बोलूंगा ना। नहीं नहीं मैं बताऊंगा। मम्मी भी स्पाइडरमैन की फैन है, प्रीमियर पे मैं जा रहा हूँ, मार्वल की फैन सब है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसमें जो सोनी पिक्चर्स इंडिया ने जो मेहनत लगाई है ना, ये हवाई वालों है। थैंक्स टू देम, आई एम गोइंग टू द प्रीमियर ऑफ नो वे होम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम नर्वस, गॉड क्या होगा पिक्चर में यार, इतना हाइप हो गई है पिक्चर। सो गाइस, हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड भाई एयरपोर्ट का नजारा देख के जो मेरे को खुशी हो रही है, इतने सारे लोग, वैसे लोग मेरे को उसे घूर के आंखों में देख रहे हुई है ना, नहीं गंदी शक्ल तो उसकी है, हाँ ऐसा ऐसा देख रहे गंदी शक्ल तो। गरम कॉफी पी रहा हूँ, ठंडा नहीं पी रहा हूँ। मैं जब घर से निकला तो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई, जब भी घर से निकलता हूँ बाहर किधर जाता हूँ मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, मम्मी को डर लगता है मैं अपनी तबीयत का ध्यान नहीं देता हूँ, बट मम्मी मैं दे रहा हूँ ये प्रूफ है, ओके आई लव यू। क्या बात, फर्स्ट क्लास में सफर करने का दुख हो रहा है। वाह, क्या प्लेन में ये लोग क्या बना देते यार, वही तो हजारों फीट ऊपर तुम नहा सकते हो वही, यार क्या बात है, बेस्ट है यार,
ट्रेन में तुम नहाओ भागो, मुँह तो सब पानी ट्रैक पे तो जाता है, यहाँ पे नहाओ पानी कहाँ जाएगा, सर पे गिरेगा। लॉस एंजलिस एक दूसरे यूनिवर्स में ही पहुंच जाते हैं हम, जैसे ही प्लेन से उतरो। अरे तुम लोगों को एक जबरदस्त बात बताना भूल गया, मैं प्लेन में था ना तो एक एयर हॉस्टेस आई, मेरे को देख के बोलती है सर मिस्टर चंकलानी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। चंकलानी चंकलानी क्या, मेरा नाम चंचलानी। मतलब एक्सक्यूज मी इट्स चंचलानी। तो मैंने उसका नाम देखा, तुम लोगों को मालूम उसका नाम क्या था? लॉरा, लॉरिया मेरा विल विन, कसम से कह रहा हूँ उसका नाम लॉरा था, कसम, मजाक नहीं कर रहा। तो उसने मेरा नाम गलत लिया, तो मैंने डिसाइड किया मैं भी इसका नाम गलत लूंगा। तो मैंने बोला नो मिस लॉरा आई वुड लाइक टू हैव नथिंग। तो बोलते सर इट्स नॉट लॉरा इट्स लॉरा। तो मैंने बोला मैम इट्स नॉट चंकलानी इट्स चंचलानी। फिर मेरे को देख के बोलती है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट मिस्टर चंकलानी। मैंने बोला चंकलानी, फिर मतलब लॉरा को कुछ नहीं समझेगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लड़ा यार, चलो आगे। क्या बात है भाई, इनकी तो ऐसी ऐसे। भाई साहब थाने स्टेशन से ज्यादा भीड़ तो इधर है, बस एक लोकल ट्रेन की कमी है इधर। इतनी भीड़, खचाखच, मर रहे हैं लोग एक दूसरे पर, गिर रहे हैं। तीन चार बच्चे तो उधर चपाती बन गए। मजाक कर रहा हूँ सालों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस ओवर एग्जैजरेशन करते हुए बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ही भीड़ है यार। अरे भाई पहुंच गया मैं रूम में, बहुत थक गया हूँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, आज का दिन होता है पूरा। वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे जेट लैग से घंटा फर्क नहीं पड़ा, पूछो क्यों? अरे क्योंकि हम इंडिया में ऐसे उल्टे सीधे टाइम पे सोते हैं कि यहाँ का शेड्यूल हमारे लिए सही है, ठीक है। तो मम्मी पापा बोलते ना ये जल्दी उठो, एक्चुअली ये सही है, हम अमेरिका के टाइम के हिसाब से सही सोते हैं। पका लिया मैं भी, सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अमेरिका के टाइम के हिसाब से तो हम भी सही सोते हैं। मेरे को भी जाओ यार, लेकिन कुछ भी बोलो, मेरे को अमेरिका का ना ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कैफे में जाओ, कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, लड़कियां तुमको या तो हनी बुलाती है तो बीबी बुलाती है, हाय हनी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हाय बेबी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। इमेजिन मैं ऐसा इंडिया में किसी को बोलूं हाय बेबी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टच इट, बेबी बोलता है बाबा साले, जस्टिन बीबर की छठी थूकी हुई औलाद बेबी निकालती होते हैं सीधा। मेरे को अभी दरी रहने का है, मेरे को बस जाने का है, खड़े रहने का है, ताकि मेरे को हनी हाय हनी उड़ू। ये देखो भाई फाइनली मेरे को न्यारेगा मिल रही है, मेरी जिगरी दोस्त फर्स्ट टाइम मिल रही है मेरे को। हम लोग बहुत बात करते हैं फोन पे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं निहारिका के लिए आया हूँ, पहले मैं स्पाइडरमैन के लिए नहीं आया हूँ ना। कंसेशन बराबर, कंसेशन भी नहीं है एक्चुअली, निहारिका मेरे फोटो खींचने वाली है। आई जस्ट नीड अ फोटोग्राफर, आई जस्ट नीड अ सिनेमाटोग्राफर। अच्छा मतलब मूवी नहीं दिखाने वाले हमें। क्या लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी और एंड्रयू है कि नहीं है? नो, तेरे को नहीं लगता है? नहीं, भर भर के लोग उसमें स्पाइडर मतलब टोबी नहीं। मतलब तू ये कहना चाहती है पुराने स्पाइडरमैन के पिक्चरों के विलन है लेकिन हीरो नहीं है? क्योंकि हीरो ऑलरेडी है, टॉम भाई जो है, टॉम भाई हो गया अभी। अच्छा टॉम भाई औकात नहीं है। चल एक काम करते शर्त लगाते हैं। कितने की शर्त? $200 की शर्त लगाते हैं। $500 की शर्त लगा रहे। मैं बोलता हूँ टोबी और एंड्रयू पिक्चर में है, निहारिका एंड्रयू पिक्चर में नहीं है, है। तो शर्त जीता तो मेरे को $500 तू। हाँ, और मैं जीती तू एक लुई वुटन का बैग। लुई वुटन का बैग 500। चल ठीक है, ज्यादा हुआ तो चल लुई वुटन का बैग पक्का नहीं आया। देखो ये शर्त है सोनी वालों। Oh God! Done. सोनी वालो, तुम्हारे नाम पे सट्टा लगाया है, मैं नहीं एडिट करूंगा ये, डन है, डन है। एक्चुअली ही नो कि वो नहीं हारने वाला। ऐसी ऐसी भी थोड़ी बना है, दिमाग है। सो गाइज मैं फाइनली अपने रूम में वापस आ गया हूँ, एंड अभी सोने की बारी है, क्योंकि
कल रेड कार्पेट प्रीमियर है एंड मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरी फटी पड़ी है। आई जस्ट डोंट नो क्या होगा पिक्चर में। ओह गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड। रेड कार्पेट प्रीमियर, बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं सोने जाता हूँ एंड कल का पूरा एक्सपीरियंस मैं कैप्चर करूंगा एंड आई लव यू गाइस। मैं 2 घंटे से सोया नहीं हूँ, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। बचपन में ऐसा स्पाइडरमैन 3 आई थी ना, मैं एक दिन पहले सोया नहीं था एंड मैंने अभी खास एक मस्त टक्सीडो बनवाया है ब्लैक कलर का कार्पेट पे जाने के लिए एंड अभी बस मैं पहनूंगा। निहारिका भी आएगी, वो भी तैयार होगी एंड देन हम दोनों साथ में रेड कार्पेट के लिए निकलेंगे। What's up everyone? ये देखो मेरा टक्सीडो तैयार है, लग रहा है एकदम स्पाइडरमैन 3 का फूका हुआ टोबी मैग्वायर। सो अभी मैं निकल रहा हूँ रीजेंसी विलेज थिएटर के लिए, निहारिका मुझे डायरेक्टली वहीं पे ज्वाइन कर रही है। 4:30 बजे का कॉल टाइम है, 6 बजे टैलेंट आना चालू होगा और 7:30 बजे पिक्चर का प्रीमियर है। मेरे को पता है ऐसा अंदर से ना मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। थैंक यू लेट आने के लिए। 1 घंटा मुझे कैब में बैठना पड़ा। 1 घंटा मेरे को कैब में, सुन अभी मेरी बात। होटल में अभी हम लोग ने टिकट्स ले लिया, अभी हम रेड कार्पेट की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई क्या फील है, क्या फील है, ऐसा किसी को भी देख के ये लोग चिल्लाते हैं। We are going to be one of the first few people to watch the film. अब ये मैं अंदर जा रहा हूँ, अब ये रिकॉर्डिंग बंद होगी, मैं सीधा बाहर आऊंगा और मेरा रिएक्शन आएगा। So, ta-ta, bye. I don't know how they have allowed a phone inside. मैं तो ये फोन बंद करके बैठूंगा, मेरी तरफ से कुछ लीक नहीं होने वाला है, बट दिस इज रियली वियर्ड। फोन अलाउड है अंदर एंड कोई ना कोई कुछ ना कुछ लीक कर देगा। सो गाइज स्टे अवे फ्रॉम द इंटरनेट, स्टे अवे फ्रॉम द स्पॉयलर्स एंड बस नेक्स्ट फुटेज आप देखोगे, हमारी हमारा रिएक्शन होगा पिक्चर को। This is the best Spider-Man film that I've ever watched. I cried, guys. There were 3-4 scenes that I cried. You will also cry. Anybody who is being a Spider-Man fan, you will cry. They did it, man. They have legit made the best Spider-Man film. And I can't wait for you guys to watch it. Jaldi ticket book karo. Friends ke saath book karo. Tum logo ticket nahi milne wali hai. ये पिक्चर के बारे में इतनी बकबक होगी, इतनी बकबक होने वाली है, बात ही इस पिक्चर के बारे में होगी। अब गाइस आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। अभी टाइम आ गया इस व्लॉग को एंड करने का, लेकिन बिफोर मैं इस व्लॉग को एंड करूं मैं ये वापस बोलूंगा, मैंने एक छोटे से रूम से चालू किया था, एक फोन पे चालू किया था, अभी भी एक फोन ही पड़ा है एंड आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट सॉ अ स्पाइडरमैन फिल्म इन यूनाइटेड स्टेट्स विद द स्टार्स। कितनी बड़ी बात है, तुम सोचो ये कितनी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुझे मौका मिला था। बचपन में मैं अपने डैड को बोलता था कि मुझे स्पाइडरमैन की पिक्चर जल्दी दिखा दो, क्योंकि पापा थिएटर होता था, या मुझे स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम ला के दे दो, ऑल्दो मैं फिट नहीं होऊंगा। बट मेरे लिए इतनी बड़ी बात है ना गाइस, मेरा जो ये मार्वल की तरफ, तुम लोग बोलते हो ना क्या इतना आशीष पागल है मार्वल की तरफ, मेरा जो ये प्यार है ना, इट वॉज ऑल स्टार्टेड बाई स्पाइडरमैन मूवीज एंड आज जबरदस्त मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस चलाने। आई वांट टू थैंक यू फैंस फॉर दिस। अब ये व्लॉग को हम लोग रैप करते हैं क्योंकि मुझे ये वीडियो फटाफट आप सबके लिए पोस्ट करनी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल सो 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 मच। मुझे भी देखनी थी यार बट मैं देख नहीं पाई, रियली बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं मैं भी, बट मुझे मार्वल की और बहुत सारी मूवीज पसंद है, बट मैं स्पाइडरमैन उतना नहीं देखती हूँ फॉर द रीज़न कि स्पाइडरमैन उतना ज़्यादा यू नो क्या
वो चीज नहीं आती है स्पाइडरमैन की मूवीज में, तो इसलिए मैं स्पाइडरमैन मूवीज नहीं देखना प्रेफर करती थी थिएटर में। मैं टीवी पे देखती हूँ, टीवी पे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं नहीं गई थिएटर देखने के लिए। अगर एंड गेम जैसा या फिर थॉर और समथिंग, ये तो गए, अभी आयरन मैन तो चले गए, मतलब आयरन मैन ये सारी मूवीज में ना कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, कुछ अच्छे अच्छे ट्विस्ट होते हैं, बट स्पाइडरमैन मूवी मुझे नहीं उतना पसंद आती, बट इसलिए मैं थिएटर में नहीं गई है देखने के लिए। बट मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से यार कि इस बार तीन तीन दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अमेजिंग होने वाला है, कुछ स्टोरी मतलब कुछ अच्छी निकल के आने वाली है, बट मैं नहीं गई फॉर द रीज़न कि मैं वेट करूँगी टीवी पे आने का, वेट करूँगी इसलिए। सो नेवरदलेस शायद मैं देखना जाती तो अच्छा ही होता, बट इन्होंने जैसे दिखाया कि अपना एक्सप्रेशन और जितना भी अपना वो आफ्टर द मूवी जो भी अपना बताया जैसा एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रही होगी मूवी और मैंने मिस कर दिया। तो मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा, और सच में यार बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया से इनको हर बार इनवाइट किया जाता है रेड कार्पेट और स्टार लोगों के साथ देखने के लिए इनका जो प्रीमियर है, और वो जो जिनके ऊपर मैंने ओ माय गॉड कहा वो जो थे वो मार्वल मूवी के डायरेक्टर जो रूसो थे, और बहुत ही बड़े इंसान, बहुत ही बड़े मतलब क्रिएटिव, जिनको कहते हैं ना क्रिएटिव होना चाहिए ऐसा यार। और मैंने जैसे बताया कि मतलब US जाके देखना इज़ लाइक बहुत बड़ी बात है, तो आशीष चंचलानी के लिए भी क्लैपिंग बनती है, उनके वर्क के लिए, उनके मेहनत के लिए और किस्मत के लिए, इसे किस्मत भी होनी चाहिए, इतने बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में जाके बैठ के जाके वहाँ पे जाके देखना इज़ लाइक हमारा सपना, ड्रीम एंड ऑल दैट, जो भी वो लोग जी रहे हैं अपनी लाइफ, हमारी तो ड्रीम ही है, हमारी ड्रीम लाइफ है, वो जी रहे हैं, तो किस्मत होनी चाहिए ऐसी। चलिए मैं इस वीडियो का अभी एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।